देश के आरएसएस और बीजेपी नफरत और हिंसा फैला रही है। आपको मालूम है मणिपुर में क्या हुआ? महीनों के लिए वहां पे सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की और उस यात्रा में अरुणाचल से, मणिपुर से, नागालैंड से, असम से लोग आए और उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपने साउथ से नॉर्थ एक यात्रा की है, आपको ईस्ट से वेस्ट एक और यात्रा करनी चाहिए और जो अरुणाचल के मुद्दे हैं, मणिपुर के मुद्दे हैं, असम के मुद्दे हैं, उड़ीसा के मुद्दे हैं, इनको भी आपको उठाने चाहिए। इसीलिए इस साल हमने मणिपुर से दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देश में विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी भाई को भाई से लड़ाती है, धर्म को धर्म से लड़ाती है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है और दो तीन लोगों के लिए सरकार चलाती है। पूरा का पूरा फायदा दो तीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को होता है और जनता को नुकसान होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम करती है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल को स्टेटहुड दिया, लोगों की आवाज उठाने का काम करती है और देश के धन को देश की गरीब जनता को देती है। तो यह लड़ाई चल रही है। आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अरुणाचल में बेरोजगारी है। तो कहीं भी पूछो, हिंदुस्तान में कहीं भी जाके पूछो, यहां पे बेरोजगारी है, झट से जवाब आता है बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। अच्छा, अरुणाचल में महंगाई है? मीडिया महंगाई के बारे में कुछ बोलती है? मीडिया बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलती है? तो ये हिंदुस्तान की हालत है। जो जनता कह रही है वो ना मीडिया उठाती है ना सरकार सुनती है। यात्रा में हम 7-8 घंटे चलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को रुकते हैं और आपकी बात सुनते हैं। जैसे अभी हमने बस में 4 युवाओं से मीटिंग की, उनको हिंदुस्तान की आर्मी में भर्ती कर दिया गया था और फिर निकाल दिया गया था। उनके जैसे 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया और निकाल दिया। तो ये मुद्दे हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आपके लिए उठाना चाहते हैं। हम 15-20 मिनट बोलेंगे मगर 7-8 घंटे आपके दिल में जो है, आपको जो कष्ट हो रहा है, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो मुश्किलें हैं, उनके बारे में हम सुनने आए हैं। इसीलिए हमने इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है। ताजा ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर